नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। नगर निगम में भले ही सत्ता बदल गई हो, लेकिन नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों पर करप्शन के आरोप पहले की तरह ही लग रहे हैं। दिल्ली की जनता नगर निगम की पिंक एंड चूज की नीति से बेहद परेशान है। नगर निगम पर आरोप लगते रहे हैं कि जो नगर निगम के अधिकारियों को पैसा दे देता है, उसका घर का निर्माण नगर निगम के अधिकारी नहीं छेड़ते, और लेकिन जो पैसा नहीं देता है उसका डेमोलेशन कर देते हैं। ऐसा ही आरोप जहांगीरपुरी क्षेत्र के अंतर्गत रामगढ़ में लगा है। रामगढ़ में एक शख्स अपना मकान बना रहे थे। उनका आरोप है कि एक प्राइवेट कर्मचारी जिन्हें नगर निगम के अधिकारी हर वार्ड में रखते हैं, उसके द्वारा 4 लाख मांगे गए। 4 लाख नहीं देने पर उनका 150 गज का जो लेंटर डाला जा रहा था उसे तोड़ने का नोटिस चिपका दिया गया। जब भी 4 लाख नहीं दिए तो उसका लेंटर पूरी तरह से गिरा दिया गया। इस अधिकारी के खिलाफ पहले भी लिखित में शिकायत यहाँ के स्थानीय लोगों ने दी है, बावजूद उसके इस तरह के आरोप बंद नहीं हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जो पैसे देते हैं वहाँ मामूली हथौड़ा चलाकर खाना पूर्ति करके चले आते हैं, और जहाँ पैसे नहीं मिलते उसका मकान पूरी तरह गिरा दिया जाता है। नगर निगम में भले ही आम आदमी पार्टी आ गई हो, लेकिन अधिकारियों का भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। दिल्ली से न्यूज 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, हम खड़े हैं जितेंद्र जैन जी के मकान में रामगढ़ के अंदर। आप देखिए किस तरीके से आज MCD के जेई ने इनके मकान के लेंटर को गुस्से में कैसे काटा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले महीने यहाँ के जो जेई हैं एलन मीना, जिन्होंने एक बंटी सरदार नाम का व्यक्ति प्राइवेट रख रखा है, उसको साथ लेकर के जैन साहब के पास आए, और जब ये मकान बना रहे थे तो इनसे 4 लाख रुपए लेंटर रामगढ़ के अंदर 4 लाख रुपए लेंटर मांगे। इन्होंने मना किया कि 4 लाख रुपए ज्यादा है, मैं नहीं दे सकता, कुछ कम कर लो। इस पर गुस्से में जेई साहब चले गए और उन्होंने कहा कि तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तुम्हारे मकान को तोड़ा जाएगा। और उसके बाद एक नोटिस भेजा गया, जिसके पश्चात जितेंद्र जैन जी हमारे संपर्क में आए और हमने इसकी उपायुक्त महोदय को शिकायत की और उपराज्यपाल महोदय को भी शिकायत की और अल्पसंख्यक आयोग में शिकायत की, जहां का MCD के पास नोटिस है जिसकी तारीख चल रही है, जो विचाराधीन है। इसके बाद जहां MCD को ये डर सता रहा था कि अगर जितेंद्र जैन ने पैसे नहीं दिए तो इलाके में सब पैसे देना बंद कर देंगे, तो इन्होंने एक नोटिस भेजा इस मकान को सील करने के लिए। और उसके लिए जितेंद्र जैन ने 3 जुलाई को MCD को पत्र लिखा, एक फीस कटवाई कि क्योंकि रामगढ़ के अंदर नक्शा पास नहीं होता है, इसीलिए इसे रेगुलाइज किया जाए, और रेगुलाइज करने में जो भी MCD की फीस है वो देने को तैयार है, और अगर उन्होंने कोई अवैध निर्माण किया है तो उनको बताया जाए, वो उस अवैध निर्माण को भी अपने आप हटाने के लिए तैयार है, इस पर MCD की कोई कार्रवाई ना की जाए। लेकिन हैरत की बात है कि दबाव बनाने के लिए जेई मीना ने कल जो कि 2 अगस्त को सरदार जी को भेज करके इनके पास ये लेटर भेजा, जो लेटर SHO जहांगीरपुर डिप्टी कमिश्नर के नाम लिखा है, जिसमें जितेंद्र जैन के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कही है कि वह अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि किस तरीके के MCD के अंदर ये खेल चालू हो गया। पहले तो मकान तोड़ने की धमकी दी जाती थी, अब MCD के अधिकारी रंगदारी मांगने के लिए मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे रहे हैं, और ये पत्र है। मैं कहना चाहता हूं कल ये पत्र दिया गया और आज सवेरे अचानक फोर्स लेकर के उनके मकान में इस तरीके से ताला लगा था, ताले को तोड़ दिया गया और किस तरीके से उनकी गैर मौजूदगी के अंदर ये छेद कर दिए गए। मैं कहना चाहता हूं ये एक जो दबाव की राजनीति है, जो रंगदारी, जो अवैध वसूली का जो जेई ने चक्कर जाल यहाँ के निगम पार्षद के संरक्षण में कर रखा है, उनको ऐसा डर था कि जितेंद्र जैन ने पैसे नहीं दिए तो इस क्षेत्र के अंदर कोई पैसे नहीं देगा। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई वार्ड नंबर 16 के अंदर सिर्फ इस मकान में की गई, जबकि यहीं आसपास में 10 मकान और बन रहे हैं, जबकि आप ये राजस्थान उद्योग नगर के अंदर जाके देखेंगे जहां से 25-25 लाख रुपए की उगाही पर फैक्ट्री से जितने ये एलन मीना
जो कर रहे हैं, जो 50% कवरेज होना चाहिए, जो फुल कवरेज के साथ हो रहा है। इसी प्रकार महिंद्रा पार्क के अंदर जो पिक एंड चूज चल रहा है, जो अवैध उगाई चल रही है, ना देने वालों के साथ तोड़फोड़ की जा रही है, आज उसका उजागर हम ये पर्दाफाश कर रहे हैं, जिसका जागता प्रमाण है। और मैं कह देना चाहता हूं निगम के ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता खत्म हो चुकी है। अभी भी आपके अंदर आदत भाजपा के लेंटर का जो माफिया है, जो लेंटर मैन है, वो चलन खत्म हो चुका है, उस नींद से जाग जाएं। इस मामले को लेकर हम शैली ओबराय जी, जो कि महापौर हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और इसकी शिकायत उनसे करेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई कराने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। रंगदारी एमसीडी के लोग मांगने लगे और अचानक आज सवेरे आकर के जैन साहब के मकान पे चढ़ करके पूरे लेंटर को चारों तरफ से, मैं कहना चाहता हूं अब तक जितनी भी इस जेई साहब ने कार्रवाई की है, थोड़ा सा टुकड़ा काट करके आते हैं, फिर पैसा लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, लेकिन आज जैन साहब का मकान का पूरा लेंटर काट करके, जो इनका अधिकृत प्रेमिसिस था उसका भी लेंटर काट दिया। ये एमसीडी का बहुत बड़ा जो गुंडागर्दी जो सिविल लाइन जोन की जेई मीणा के द्वारा है, ये आपके सामने है। सर कितने गज की ये प्लॉट है और कितने का नुकसान हुआ है? करीब 100 गज का मकान है और 5-6 लाख रुपए का जो लेंटर बनाने में लगता है और उससे ज्यादा। तो मैं कहता हूँ एक इंसान जो एक रिस्पेक्टेड व्यक्ति है इलाके का, उसके मकान पर हथौड़ा चलता है तो दिल पर हथौड़ा चलता है, कई मानसिक तनाव में वो व्यक्ति रहता है। इस तरीके की जो घटिया हरकत की है, मेरा शैली ओबराय जी जो कि हमारी महापौर हैं, उनसे निवेदन है कि जो इसके खिलाफ जेई मीणा के खिलाफ और संबंधित अधिकारी जिनकी जानकारी जिनके संरक्षण में हो रहा है, उनकी सीबीआई जांच कराई जाए और उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए और जितेंद्र जैन जी को इसका मुआवजा दिलवाया जाए। सर पुलिस की इस पे क्या कार्रवाई रहा? देखो पुलिस को हमने पत्र लिखा है और पुलिस की जो कार्रवाई है वो उस पर कार्रवाई करेगी। अभी तक पुलिस ने हमारे से संपर्क नहीं किया है। अभी तो हमें जो जेई मीणा के दलाल के द्वारा ये लेटर भेजा गया है कि हम पुलिस में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, आपने अपना मकान बना लिया, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अभी तो ये उनके दलालों के द्वारा हमें धमकी रंगदारी मांगने का पत्र प्राप्त हुआ है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम जितेंद्र जैन है। जितेंद्र जी क्या मामला है बताएं? मामला ये सर, मैं रामगढ़ में 150 गज का प्लॉट बना रहा था, मेरे पास बंटी सरदार जी आए, सामने मीना जी खड़े थे, मुझसे 4 लाख रुपए लेंटर की डिमांड की गई, मैंने मना कर दिया पैसे देने के लिए। उसके बाद बंटी जी मुझे क्या कह गए, तुझे बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा, वो आज मैंने भुगत लिया, इन्होंने मेरा पूरा लेंटर काट दिया। कितने का नुकसान हुआ सर? 6-7 लाख रुपए नुकसान हुआ सर। अच्छा पुलिस के क्या कार्रवाई रहा? कोई कार्रवाई नहीं रही सर। आखिर तोड़ने के रीजन क्या क्या? पहले नोटिस दिया गया था? हाँ जी पहले नोटिस दिया था जी। उसके बाद सीलिंग के पोर्टर चिपका दिए थे जी। अच्छा बस उसके बाद आज आगे तोड़ गया दुकान में, मैं था भी नहीं कहीं गया होता, दिल्ली से बाहर में फरीदाबाद तक गया था जी मैं। कितने बजे आए थे तोड़ने के लिए? तोड़ने के लिए 10-11 बजे के आसपास आए होंगे जी। तो क्या आप घर पे नहीं थे? नहीं जी मैं नहीं था। तो घर पे कौन थे? कोई भी नहीं था जी, ताला लगा हुआ था जी। तो ताला लगा हुआ मकान में आके तोड़ दिए? हाँ जी। तो कैसे आए? उधर वो साथ में दूसरे काम चल रहा था, उससे चाबी मांग ली होगी। अच्छा साथ में दूसरे बंदे का काम चल रहा था। अच्छा उसके तो भी, बाकी आपके मकान में कोई नहीं था? नहीं मेरे में कोई नहीं था, मेरा मकान ही नहीं है जी, गोले हो रहा है नीचे जी, और कुछ नहीं है जी। आप तो एक बात तो सुनिए कि अगर आप मकान में नहीं है तो कोई भी अधिकारी आकर इस तरह से कैसे तोड़ सकता है? हाँ जी बस गुंडागर्दी समझो जी, और क्या जी। तो आपने उनके खिलाफ शिकायत की है? नहीं अभी तो कुछ नहीं किया, अभी तो मैं आया हूँ जी बस। तो आप क्या चाहते हैं? मैं इस बारे में क्या कहूँ सर, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तो एक तरह से अभी छोटा मोटा दुकानदार हूं, मैं क्या कर सकता हूं।
यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।